नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 29-30 अभ्यास संख्या 8 की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 5 मिनट तथा गति 60 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम ये डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। महोदय, आज हमारे देश की दशा सभी देख रहे हैं। कहाँ क्या हो रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। देश में बढ़ती हिंसा, उपद्रव एवं अराजकता के लिए हमारे नेता ही जिम्मेदार है, क्योंकि वे ही समाज के आगे आगे पथ प्रदर्शन करते चलते हैं। समाज में बढ़ती हिंसा वृत्ति पशु वृत्ति का परिचायक है। खेत की बात है कि बीते वर्ष 17 बार देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए गोली चलाई। सेना देश की रक्षा करती है। आप सोचिए, जब सेना देश में ही देश की जनता के ऊपर देश की समस्याओं को हल करने के लिए गोली का इस्तेमाल करे, बल प्रयोग करे, तो देश की क्या दुर्दशा होगी। जब जब हमारे देश में क्षेत्रवाद पनपा है, तब तब उस क्षेत्रीय दल को हमारे पड़ोस से सहायता दी गई और गृह युद्ध की स्थिति निर्मित करने में पूरा पूरा प्रयास किया गया। यह बात अलग है कि हमारे देश कि जनता ने दुश्मन के भाव को समझकर समस्या का निदान देश में ही कर लिया और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि सीमा पार पर आतंकवादी प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं और इन संस्थानों में निशुल्क प्रशिक्षण देकर हमारे देश में घुसपैठ कराई जाती है और सारा विश्व इस बात को जानता है, पर वह चुप्पी साधे हुए हैं। अगर यह सिलसिला चलता रहा और देश की रक्षा में कमी की रफ्तार इसी तरह से बढ़ती गई तो वह दिन दूर नहीं है जब इस देश का दिवाला निकल जाएगा। वैसे भी अर्थशास्त्री भारतीय अर्थव्यवस्था से काफ़ी चिंतित है और वे कई गोष्ठियों में अपनी चिंता बता चुके हैं।
हाल ही में आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित अर्थशास्त्रियों ने रुपए की घटती कीमत से गहरी चिंता जताई और चेतावनी भी दी है कि अगर इसकी कीमत घटने से रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो देश को गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।